मैंने देवपुरी के खसरा नंबर 206 के संबंध में प्रश्न पूछा। ये आप रायपुर कहाँ पहुँच गए महाराज? तो क्या समझ रहे हैं, कोरबा जिले के आदमी रायपुर में क्या कर रहे हैं? ये तो ब्रिजमोहन ही काफी है इसके लिए, प्रदेश के लिए। चलिए करिए करिए, सबसे सीनियर हूँ। नहीं आप तो है, जरूरी है, लोग आते हैं मेरे पास। जी जी, काम करता हूँ जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, 206 जो खसरा नंबर है उसको कितना बटांकन हुआ है और कब कब किसके किसके नाम पे दर्ज हुआ है, अधिकार अभिलेख बना हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ जी। मुझे जहाँ तक ज्ञात है आप भी कभी राजस्व मंत्री हुआ करते थे, होम मिनिस्टर। इसलिए इतना गड़बड़ी होता नहीं था मेरे सामने। नहीं थे ना आप राजस्व मंत्री, अब आपके जिले का राजस्व मंत्री है उसी का संसदीय सचिव था साहब। जो भी है राजस्व विभाग आप देखे है, आज आपका जिले का मंत्री देख रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल के समझ लेते घर में। घर में तो समझ लेंगे, और मैं जो समझाता हूँ समझते नहीं मंत्री जी क्या करें। चलिए प्रदेश के मामले में आप संतुष्ट कर दीजिए, कल बहुत चर्चा हुई इस पर, कल काफी चर्चा हो चुकी है, इसमें काफी विस्तृत से इसका जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय जी, और इसमें पूरी जानकारी है, और इसमें जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के का हवाला भी दिया गया है, तो उसमें जो जिला स्तरीय समिति बनाई गई है, जिला स्तरीय समिति की अभी बैठक हो चुकी 22/7 को, और उसमें जो कार्रवाई उसको मैं कहें तो बता देता हूं, और इसके बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद इनको बता दिया जाएगा। चलिए आप बताइए सर, संतुष्ट हो गए आप इसकी जल्दी? देखिए मैं बता रहा हूं, मेरे तो एक प्रश्न का जवाब नहीं आया कि कितना बटांकन हुआ है, किसके किसके नाम से ऋण पुस्तिका बना है उसी खतरा नंबर में, और क्यों बना, आखिर कहीं ना कहीं किस अधिकार मिलता है तो संशोधन होता है, संशोधन के बाद ऋण पुस्तिका बनता है। अब मंत्री जी यही तो पूछ रहा हूँ कि कितने बटांकन हुआ है, कितने लोगों का नाम दर्ज हुआ है, नाम कैसे दर्ज हुआ जब शासकीय जमीन है वो, तो या तो किसी ने गड़बड़ किया है, और गड़बड़ करने का तो आपका विभाग का सिद्ध अधिकार है। तो आप तो रहे रेवेन्यू मिनिस्टर, अभी का वे मामला है नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ कई केस, कोरबा का कई केस बता सकता हूँ जिसमें क्या बोलते हैं नक्शा बदल दिया जाता है, मैंने चीफ सेफ्टी को भी नहीं कहा है। तो बता दीजिए आप, बता तो कोई नक्शा बदला है, महावीर का है उसकी? अब बता रहा हूँ, महावीर का नोट कर लीजिए, और कोई अधिकारी है तो बतला दीजिए, मैं चीफ सेफ्टी को लिखा हूँ, वो नक्शा ही बदल दिया। कहाँ का? कोरबा का साहब, इनके जहाँ रहते हैं, जहाँ से चुनाव जीतते हैं। कोरबा में तो चार विधानसभा क्षेत्र है, कौन से विधानसभा? कोरबा खास। ये पहले भी उसका प्रश्न लगा चुके हैं अध्यक्ष महोदय, और जब वो जमीन अलॉटमेंट हुआ है इन्होंने इलाज कराया है, उस टाइम ये भागीदार थे, बाद में इनका विवाद हो गया, अब उस चीज को बोल रहे हैं। चलिए आप मेरा इसको दे दीजिए, बाद में जानकारी दे दीजिए। नहीं मेरा तो उत्तर आ जाए, आप उत्तर दे दीजिए, उस खसरा नंबर में कितना बटांकन हुआ साधन प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, बटांकन कितना हुआ, कितने लोगों का नामांतरण हुआ, और नामांतरण तो होगा तो नामांतरण पंजी भी होगा, अभी इनको देखे नहीं होंगे तो अलग बात है, काफी लंबा हो जाएगा। जिस तो छोटा प्रश्न है साहब कि कितने लोगों का नामांतरण हुआ है उस खसरा नंबर, उस खसरा नंबर ये अतिक्रमण से संबंधित प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और ये सरकारी जमीन घोषित हो चुकी है आपका, इसमें हाई कोर्ट का भी इसमें निर्णय है, और इसलिए मैंने बताया कि जो जमीने जहाँ जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थल आपका कोई धार्मिक स्थल जहाँ होते हैं तो वहाँ के लिए जिला में कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी की भी मीटिंग अभी 22 तारीख को हुई है, और उस मीटिंग में उसकी कार्रवाई विवरण बता सकता हूँ मैं, जो भी उसका निर्णय आएगा इनको बता दिया जाएगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो तो आ ही नहीं रहा था, बटांकन कितना हुआ, बटांकन के बाद में दूसरे का नाम चढ़ गया, नाम कैसे चढ़ा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ किया है, और अगर आपके पास में है तो बता दे। वही तो उनके पास अभी नहीं है इसलिए बाद में बता दूंगा मैं आपको, उपलब्ध करा दूंगा, बता दीजिए ना कि बाद में बता दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा आपको इसकी जानकारी, उपलब्ध करा दूंगा। हाँ भाई साहब मिलजुल के चला करो, तो कुछ प्रेस कमान चार्ज अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मुझे इसमें थोड़ा सा आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को मैं जिस दिन से सरकार